हेलो गाइस, मेरा नाम है क्रिश। वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइस, आज हम बनाने जा रहे एक मॉडर्न हाउस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जो आप अभी स्क्रीनशॉट देख रहे हो वही हाउस हम बनाने जा रहे हैं। गाइस, तो आपको स्ट्रिप्ड स्पर्स वुड की हेल्प से कुछ इस तरीके का लेआउट बना लेना होगा। तो गाइस, स्ट्रिप्ड स्पर्स वुड को प्लेस करने के बाद आपको सभी कोनों में स्ट्रिप्ड स्पर्स वुड को प्लेस कर देना है। गाइस, आप स्ट्रिप्ड स्पर्स वुड की हाइट 4 ब्लॉक रखना। तो गाइस, आप सभी कोनों पे स्ट्रिप्ड स्पर्स वुड प्लेस कर देना। तो जल्दी से स्ट्रिप्ड स्पर्स वुड को प्लेस कर देते हैं। तो गाइस, सभी स्ट्रिप्ड स्पर्स वुड को प्लेस करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आपको आपको कुछ इस तरीके से स्टोन ब्रिक को प्लेस करना है, जिस तरह मैं स्टोन ब्रिक को प्लेस कर रहा हूं। तो गाइस, जल्दी से सभी स्टोन ब्रिक को प्लेस कर लेते हैं। तो गाइस, सभी स्टोन ब्रिक को प्लेस करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर आपको सभी स्टोन ब्रिक के ऊपर ओक वुड को प्लेस कर देना है। तो गाइस, जल्दी से ओक वुड को प्लेस कर लेते हैं। तो गाइस, सभी ओक वुड को प्लेस करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से स्पर्स वुड स्टेयर्स को हाउस के चारों ओर प्लेस करना है। तो जल्दी से स्पर्स वुड स्टेयर को प्लेस कर देते हैं। तो गाइस, स्पर्स वुड स्टेयर को प्लेस करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको डार्क ओक डोर को प्लेस करना है। गाइस, आपको डोर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है और फिर आपको डोर के जो ऊपर ब्लॉक रहेगा उसको ब्रेक करके उसकी जगह स्पर्स वुड स्टेयर्स को प्लेस करना है। तो गाइस, उसके बाद आपको फ्लोर पर बिल्च वुड प्लांट्स को प्लेस कर देना है। तो जल्दी से प्लांट्स को प्लेस कर देते हैं। तो गाइस, सभी प्लांट्स को प्लेस करने के बाद हमारा फ्लोर कुछ इस तरीके से दिखेगा। स्ट्रिप्ड जंगल वुड को कुछ इस तरीके से टॉप पर प्लेस करना है। तो जल्दी से स्ट्रिप्ड जंगल वुड को प्लेस कर लेते हैं। तो गाइस, स्ट्रिप्ड जंगल वुड को प्लेस करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो गाइस, अब आपको घर के अंदर लैंटर्न को प्लेस कर देना है ताकि घर के अंदर थोड़ी रोशनी हो जाए। तो गाइस, लैंटर्न को प्लेस करने के बाद आपको कुछ स्टोन ब्रिक ब्लॉक को ब्रेक करके उसकी जगह ग्लास पेन को प्लेस करना है, जिस तरह से मैं ग्लास पेन को प्लेस कर रहा हूँ। गाइस, जल्दी से ग्लास पेन को प्लेस कर लेते हैं। तो गाइस, अभी ग्लास पेन को प्लेस करने के बाद आपको इसके फ्लोर पर कारपेट को प्लेस करना है। आप कोई भी कलर के कारपेट को प्लेस कर सकते हो। मैं ऑरेंज और येलो कारपेट को प्लेस कर रहा हूँ। तो जल्दी से कारपेट को प्लेस कर लेते हैं। तो गाइस, सभी कारपेट को प्लेस करने के बाद तो गाइस, अब आपको अपने हाउस के अंदर चेस्ट, फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल, बेड और भी बहुत सारी चीजों को प्लेस कर देना है जो आपको पसंद है। आप अपनी तरफ से भी घर के अंदर कोई भी चीज को प्लेस कर सकते हो, या जो आइटम है इस हाउस के अंदर प्लेस कर रहा हूँ आप वही आइटम को भी प्लेस कर सकते हो। तो गाइस, सभी आइटम को प्लेस कर लेते हैं। तो गाइस, सभी आइटम को प्लेस करने के बाद आपको घर के चारों ओर ओक लीव्स को प्लेस कर देना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो गाइस, सभी ओक लीव्स को प्लेस करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से स्पर्स वुड स्टेयर्स को प्लेस करना है। तो गाइस, जल्दी से सभी स्पर्स वुड स्टेयर को प्लेस कर देते हैं। तो गाइस, सभी स्पर्स वुड स्टेयर को प्लेस करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो गाइस, आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर वाटर को प्लेस करना है। तो जल्दी से वाटर को प्लेस कर लेते हैं। तो गाइस, वाटर को प्लेस करने के बाद आपको स्टेयर में भी वाटर को प्लेस कर देना है।
तो गाइस तेल में मोटर को प्लेस करने के बाद ये कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। तो गाइस अब आपको कुछ लीव्स को ब्रेक करके लैंटर्न को प्लेस कर देना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो गाइस सभी लैंटर्न को प्लेस करने के बाद ये कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा और हमारा हाउस तैयार हो चुका है। गाइस आपको ये हाउस कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस इस हाउस को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अंदर से भी और बाहर से भी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लेना। मैं को मिलता है ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।